जय श्री सीताराम। माह जून के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। संपूर्ण माह जून आप सभी के लिए कैसा जाएगा? कहाँ पर आपको सौगातें मिलेंगी या सावधानी बरतने के संकेत भी मिलेंगे? इस बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाऊंगा, बताऊंगा। और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर आपको समझाऊंगा। लेकिन जैसा मैं अपने हर राशिफल के वीडियो में एक बात शेयर करता हूँ और बताता हूँ, यहाँ पर भी आपसे शेयर करूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, कभी भी कोई भी राशिफल जब आप देखते हैं तो इस बात को आप ध्यान रखें कि वो सार्वजनिक स्तर पर है, सामान्य स्तर पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि राशिफल ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होता है। देखिए भाई, आपकी कुंडली तो है नहीं मेरे पास, आपकी लग्न कुंडली में कुछ योग होंगे, अच्छे या बुरे योग हो सकते हैं, सूक्ष्म कुंडलियां कुछ होंगी, दशमांश नवमांश वगैरह वगैरह दशाएं कुछ चल रही होंगी, लेकिन मेरे पास आपकी राशि है भाई। मेष से मीन तक कोई भी एक राशि आपकी होगी तो वो राशि मेरे पास है, और गोचर क्या हो रहे हैं उन राशियों पर ये मुझे पता है, गणनाएं मुझे पता है, तो इस बारे में जो है मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन ये राशिफल चूंकि सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, क्योंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होते हैं, तो इसलिए आपको चाहिए कि जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन यदि कहीं आप ले रहे हैं तो आप कुंडली कंसल्टेशन, कुंडली का परामर्श अवश्य करवाएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक एक राशियों के बारे में चर्चा करते हैं और मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे और मेष राशि के लिए कहूंगा कि ये माह जून आपको सफलताएं दिलवाने के लिए आया हुआ है। सफलताएं होंगी, सफलताओं का मतलब ये है कि आप जो चाहते हैं पहली बात, और जो चाहते हैं उसके प्रति आप मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको वो मिल जाए भाई, यही है सफलता का मतलब। तो ये हम कह सकते हैं मेष राशि के लिए कि ये जो माह है ये आपको आप जो चाहते हैं उसे दिलवाए। स्ट्रगल्स हो सकते हैं, देखिए उतार चढ़ाव का वक्त आते रहता है, कभी कोई दिन कठिन होगा, कोई दिन आसान होगा, कोई दिन मजे वाला होगा, खुशी वाला होगा, उत्साह वाला होगा, कोई दिन परेशान करने वाला हो सकता है, टेंशन देने वाला, तनाव देने वाला हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन एक ओवरऑल माह की बात करते हैं, आप यदि जुलाई में जाकर के जून को जब देखेंगे, पीछे मुड़ करके जब देखेंगे तो क्या पाएंगे आप? ये पाएंगे कि हाँ, ये मेरे लिए अच्छा था, ये मेरे लिए पॉजिटिव था, ये एक बात मुझे नजर आती है। और नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, कैरियर के दृष्टिकोण से तो है ही है। आप यदि स्टूडेंट हैं, आपका कोई लक्ष्य है, आप पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भी हर दृष्टिकोण से मुझे यहां पर सफलता के योग बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके साथ ही साथ नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार भी आपके बन सकते हैं, और मैं हमेशा ही बात कहता हूं कि नए रिश्तेदार कब बनते हैं, तो नए रिश्तेदार तब बनते हैं जब विवाह तय हो। भाई आपका या आपके घर में किसी का विवाह तय हो, यदि कोई विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो, और जब तय हो तो नए रिश्तेदार बने, मिलना जुलना हो रिश्तेदारों के साथ, ऐसा मुझे मेष राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। पुराने दोस्त मिले, पुराने रिश्तेदार भी मिले, उनसे भी आपका जो है वो गेट टुगेदर हो, एक मिलान हो, उसी के साथ साथ नए रिश्तेदार बने ऐसा भी है, नए दोस्त बने ऐसा भी है। और एक और बात ये कि आप जो हैं वो
यदि इस उम्र में है तो प्रेम प्रसंग भी बन सकता है, तो ये बात भी एक मुझे आपके साथ मेष राशि यदि कहीं आपकी है तो बनती हुई नजर आती है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं, या शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो फायदा ही होगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदते हैं तो भी आपको फायदा ही होगा। ठीक है, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे, और वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से आपको शुभ समाचार मिले, शुभ समाचार, आपको शुभ समाचार मिले, आपको शुभ संदेश मिले, ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ यहां पर नजर आता है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। देखें, ऑब्वियस, आप जो चाहते का मतलब ये नहीं कि मुकेश अंबानी का बंगला चाहते हैं। बात ऐसी है कि आप जिस लायक हैं, आप जिसके लिए लंबे वक्त से मेहनत कर रहे हैं और आप उसकी प्रतीक्षा में हैं। जैसे हो सकता है आप इंटरव्यू देने गए हों, नौकरी की आप प्रतीक्षा में हैं, आप रिजल्ट की प्रतीक्षा में हैं, आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, आप विवाह के इच्छुक हैं, है ना? तो जो आप लायक हैं, जो आप इच्छुक हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं और जिसकी आप प्रतीक्षा में हैं, वो आपको मिल जाए, ऐसा मुझे दिखता है। तो शुभ समाचार के योग दिखते हैं और शुभ प्रसंग या मांगलिक प्रसंग के भी योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक गेट टुगेदर, पारिवारिक मिलान, पारिवारिक मिलाप मुझे आपके लिए वृषभ राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, लाभ के योग हैं, आप जो चाहें उसमें आपको लाभ मिले। भाई ऑब्वियसली ना, मैंने कहा शुभ समाचार मिलेगा, तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि लाभ मिलेगा, तो लाभ के योग भी हैं। आप प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि के योग भी हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एक एक चीज का थोड़ा सा आप बस ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, कि फिजूल के मतभेद जो हैं वो हो सकते हैं। मतभेदों से बचने का आप प्रयास करें, बस आर्गुमेंट से, मतभेदों से, मिसअंडरस्टैंडिंग से आप जरा बचने का प्रयास करें, यदि आपकी राशि वृषभ है तो। ये बात का जरा आप ध्यान रख लीजिए, अन्यथा आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे, यदि आपकी राशि वृषभ है तो, बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। आर्थिक स्थितियां आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, आर्थिक स्थितियां और मजबूत होने वाली है आपकी, मैं ये कह सकता हूं। लंबे वक्त से रुके हुए जो कार्य थे, यदि कहीं आपके हो नहीं पा रहे थे, आप करना चाहते थे लेकिन किसी प्रकार से रुक रहे थे, कोई 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 रोक रहा था, तो कार्य भी मुझे आपके बनते हुए, होते हुए नजर आते हैं। तो ये भी आपके लिए, वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छी बात दिखती है कि रुके हुए कार्यों का पूर्ण होना, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, आप जो चाहें, जिस लायक हैं वो आपको मिले, ऐसे योग दिखते हैं। तो चिंता बिल्कुल ना करें, मेहनत अधिक करें, सफल बने, बहुत सीधी सी बात वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग मुझे आपके घर परिवार में बनता हुआ, होता हुआ नजर आता है। तो एक चीज तो ये है, आप जब शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग होता है तो बहुत सारी चीजें सामान्यतः भारतीय परिवारों में हो जाती है। क्या चीजें हो जाती हैं? पहले तो खर्चा हो जाता है, तो खर्चे का बिल्कुल ध्यान रखना है, खर्चे के योग, फिजूल खर्च के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अपने खर्चों पर संयम बरतना है, भावनाओं में, फिजूल की भावनाओं में नहीं बहना है, एक बात तो ये। दूसरी बात कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो अक्सर हो जाया करती हैं, तो इस महीने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल, उतार चढ़ाव में आपकी रह सकती है, तो इस बात का ध्यान दीजिए। और
और क्या होता है जब मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग भारतीय परिवारों में होते हैं तो, और वो भी खास तौर पर गर्मियों के दिन में, तो मतभेद आर्ग्यूमेंट्स भी कई बार बनते हैं। फूफा जी बुरा मान गए, जीजा जी बुरा मान गए, उनको खाने का नहीं पूछा, है ना। तो कहीं ना कहीं मतभेद आर्ग्यूमेंट्स वाद विवाद के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो वाद विवादों से भी बचने का जहां तक हो सके प्रयास करिए, ठीक है। अब मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मांगलिक प्रसंग मांगलिक कार्य में ही वाद विवाद हो या खर्चा हो। यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, यदि आप ऑफिस में हैं तो वहां कॉलिक के साथ वाद विवाद हो सकता है। तो थोड़ा पैसा जहां लगा रहे हैं, रिस्की इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां थोड़ा संभल जाइए, रुक जाइए। और कहीं पर भी वाद विवाद जहां पर हो रहा है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए कि कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, थोड़ा ये इस बात को समझिए। हाँ, एक अच्छी बात पता है मुझे ये दिखती है कि जो सचमुच में आपके अपने हैं उनका आपको सहयोग जरूर मिलेगा। हो सकता है मित्र, एक दो मित्र, बड़ी किस्मत से होते हैं एक या दो मित्र जो बहुत अच्छे होते हैं, जो आपका सहयोग करते हैं। तो यदि कोई ऐसा कोई आपका है तो या फिर हस्बैंड वाइफ बच्चे माता पिता सगे भाई बहन कई बार, तो सहयोग आपको जरूर मिलेगा उनका जो आपको चाहते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। मिथुन राशि की बात, कर्क राशि की बात करते हैं, और कर्क राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। मतलब आपको ना ये समय सफलताएं दिलवाएगा। अब सफलताओं का मतलब क्या होता है? सफलताओं का मतलब आप जो कार्य करना चाहते हैं, आप जो कार्य करना चाहते हैं, आप जिस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप जिस कार्य के काबिल हैं, उसके पीछे सही दिशा में जब आप लगे हुए हैं तो आपको कार्य मिल जाए। अब क्या होता है ना, सही दिशा, देखिए मेहनत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सही दिशा कई बार किस्मत से मिलती है। कई बार एक तो गुरु दिशा दिखाते हैं, लेकिन गुरु भी सही मिलना भी बड़ी मुश्किल की बात है, और हर किसी के हर पग पग पर गुरु नहीं होते। हाँ, आपको छोटे छोटे डिसीजन लेना है तो हर बार तो अपने गुरु के पास नहीं जाएंगे आप, या किसी से पूछेंगे नहीं। तो सही दिशा भी यहां पर आपको मिलेगी, और सही दिशा के साथ सही मेहनत आप करेंगे, आपको निसंदेह इसके बहुत अच्छे बहुत शानदार परिणाम भी देखने को मिलेंगे, मतलब सफलताएं भी आपको देखने को मिलेगी। अब ये भी हो सकता है कि आप पढ़ाई करते हो, ये हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप हो सकता है नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, आप जो भी कार्य करते हो, समाज सेवी हो, गृहिणी हो, जो भी हैं, आपके लिए मुझे यहाँ पर सफलताओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। पदोन्नति, मैंने कहा ना सफलता मतलब पदोन्नति के योग स्पेशली मुझे दिखते हैं। पदोन्नति मतलब आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, आपके सम्मान में वृद्धि हो, आपके मान में वृद्धि हो, ऐसा मुझे यदि आपकी राशि कर्क है तो दिखता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। भवन भूमि गाड़ी वाहन यह खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं, या जो महंगी वस्तुएं हैं या जो शारीरिक तौर पर सुख देती हैं जो वस्तुएं, जैसे हो सकता है कि आपका आपका एसी हो, एयर कंडीशनर हो, एयर कंडीशन हो, आपका आपका मोबाइल हो महंगा, है ना, अच्छे महंगे कपड़े हो, जो शारीरिक तौर पर आपको सुख दे, या कई बार दिखावे की जो वस्तुएं होती जिसे देख करके लोग कहते हैं वाह जी वाह, तो ऐसी स्थितियां जो हैं कहीं ना कहीं आपकी बन सकती है, और इनमें आपका निवेश भी हो सकता है। मैं निवेश कह रहा हूं मतलब आप कर सकते हैं। देखिए तारीफ हर किसी को पसंद है, और जब दिखावा, अधिकतर लोग दिखावा इसलिए करते हैं ताकि उनकी तारीफ हो। वैसे तो दिखावा नहीं करना चाहिए, मैं कभी इसके पक्ष में नहीं होता हूँ, लेकिन कुछ बातों को दिखाना बहुत जरूरी भी होता है। जैसे हमारे
भारत एक परमाणु शक्ति देश है, परमाणु परीक्षण परीक्षण किया गया था पोखरण में, और उसकी न्यूज चाहते तो न्यूज नहीं जाती सब दूर, लेकिन न्यूज क्यों भेजी, ताकि दिखाया कि भाई हमारे पास भी ये पावर है। तो कई बार दिखाना जरूरी होता है, मैं मानता हूं इस बात को, ताकि लोग आपको समझते हैं। अब वो तो परमाणु की बात थी, छोटी मोटी बात भी है, आपने महंगा कोई आपको बोलता है आपने महंगा मोबाइल किसी को दिखा दिया, तो ठीक है अभी उसको समझ में आ गया, नहीं बाबा ये भी जो है फोर व्हीलर दिखा दी, नहीं बाबा ये भी जो है इनके पास पैसा है। तो लेकिन हाँ, वो बार बार उसकी आदत ही पड़ जाना वो एक अलग चीज है। चलिए तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। अच्छा, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि आपको शुभ समाचार मिल सकता है, शुभ समाचार के योग मुझे दिखते हैं, आप शुभ समाचार मिलेगा। तो निसंदेह इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आप जो कार्य करना चाहते हैं या जो जो कार्य आपने करके रखा था या जो आपकी इच्छा है जिसके आप लायक हैं वो आपको मिल जाए। जैसे हो सकता है आपने इंटरव्यू देकर के आए थे, आपको शुभ समाचार मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो गया। हो सकता है आप रिश्ता तय करना चाहते हैं, कहीं लड़का या लड़की देख के आए हैं और हाँ हो जाए, संतान प्राप्ति का शुभ समाचार मिल जाए, स्वास्थ्य ठीक होने का शुभ समाचार मिल जाए, रिपोर्ट अच्छी आ जाए। हाँ, तो शुभ समाचार मिलने के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लाभ के योग भी हैं, आप जो कार्य करना चाहते हैं, जिस कार्य को करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं और जिस कार्य में आपकी रुचि है और हार्डवर्क दे रहे हैं, तो आपको उसमें लाभ भी मिल जाए सिंह राशि के लिए, मुझे ऐसा दिखता है। तो लाभ के योग भी हैं और सारे दृष्टिकोण से, आपके आपके शारीरिक दृष्टि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभ है, आपके मानसिक दृष्टिकोण से भी लाभ है, पारिवारिक दृष्टिकोण से, वाद विवाद मतभेद आर्ग्यूमेंट अलगाव कहीं चल रहा था तो वहां पर भी लाभ है। धन आय आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी लाभ है। हालांकि ये हो सकता है कि आपको ये लगे कि यार लोग मेरी बुराई कर रहे हैं या फिर मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर पीठ पीछे मेरे बारे में बातें कर रहे हैं या फिर मुझे खींच रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि उनके बुराई करने से, खींचने से या पॉलिटिक्स करने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। मैंने जैसे कहा ना कि शुभ समाचार मिलेगा, लाभ होगा, तो लाभ जरूर होगा, कोई आपका किसी प्रकार से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो यदि आपकी राशि सिंह है तो इस बात का आप ध्यान रखें, हाँ मेहनत करना है, जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए लग जाइए, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल निसंदेह मैं समझता हूं कि आपको फायदा, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे और कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा कि देखें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शारीरिक तौर पर आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, शारीरिक तौर पर आपको परेशानी हो सकती है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। और यदि कहीं लंबी कोई बीमारी आपको चल रही है, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, लंबी समस्याएं आपको चल रही हैं, तो वो भी आपको जो है वो तकलीफ देगी, तो ध्यान रखना है। छोटी मोटी समस्याएं भी नहीं पैदा हो सकती है तो उसका भी ध्यान रखना है। गर्भवती यदि आप हैं तो भी आपको अपना ध्यान रखना है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना है। और कई बार क्या होगा ना, चिंताएं भी, मैं कहूंगा व्यर्थ की चिंताएं भी आपको सताएंगी, फिजूल की चिंताएं आपको जो है वो सता सकती हैं और फिजूल की चिंताओं की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़े। तो फिजूल की, देखो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य केवल ये एक मुझे आपके साथ नेगेटिविटी दिखती है, इसके अलावा सारी पॉजिटिविटीज है। जैसे जैसे आपका यदि कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति यदि आप लगे हुए मेहनत कर रहे हैं तो आपको वो लक्ष्य भी मिल जाए। वो लक्ष्य हो सकता है पढ़ाई का हो, वो लक्ष्य हो सकता है
नौकरी का हो, व्यवसाय का हो, किसी भी प्रकार से जो भी लक्ष्य आपका स्वास्थ्य, इवन आपका स्वास्थ्य खराब है और आप चाहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, और यदि आप उसके लिए लगे हुए डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने दवाई गोली दी है, ये एक्सरसाइज डाइट प्लान दिया, वो कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, लेकिन लेकिन चिंताएं चिंताएं आपको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। वाहन खरीदी के बारे में भी आप सोच सकते हैं, वाहन आप खरीदेंगे भी, और या तो भौतिक सुख सुविधाओं की कोई वस्तु की खरीदी के बारे में सोच सकते हैं, कुछ ना कुछ खरीदने के योग मुझे आपके यहाँ पर, यदि आपकी राशि कन्या है, तो बनते हुए नजर आते हैं, तो खरीदी के योग मुझे यहाँ पर दिखते हैं। हाँ, एक अच्छी बात ये मुझे यहाँ पर नजर आती है कि पारिवारिक साथ आपको जरूर मिलेगा। यदि आपकी राशि कन्या है तो पारिवारिक तौर पर आपको साथ मिलेगा, पारिवारिक तौर पर आपको सहयोग मिलेगा, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कोई चिंता का विषय नहीं है। मानसिक फिजूल की चिंताओं को अपने दिमाग से आपको निकालना चाहिए, ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, ठीक है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर आपका ट्रांसफर हो ऐसा दिखता है, लेकिन एक अच्छी बात मुझे ये नजर आती है कि वो ट्रांसफर या वो स्थानांतरण जो है वो आपकी सफलता के साथ, आप जो चाहते हैं उस वो आपको मिले, ऐसा मुझे दिखता है आपके लिए। यात्राओं की, भाई स्थानांतरण है तो यात्राएं भी हो सकती हैं, तो यात्राओं के योग भी हैं। और एक बात और मैं यहां पर कहना चाहूंगा, यदि आपके राशि तुला है तो, कि यात्राएं आपको सुख दिलवाने वाली होंगी, आप जिस जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको पूर्ति देखने को मिल जाएगी। वो देखें, मैं हमेशा कहता हूं किसी न किसी उद्देश्य से ही कोई यात्रा करता है, बिना उद्देश्य के कोई यात्रा ही नहीं करता। हो सकता है आप बोले मैं शांति पाने जा रहा हूं अकेला कहीं, हो सकता है आप बोले मैं परिवार, हम परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, मतलब पारिवारिक मेल जोल के लिए जा रहे हैं, रिश्ते को और मजबूत करने जा रहे हैं, या हो सकता है आप बोले कि भाई एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। एंजॉय भी एक प्रकार का उद्देश्य है, वो स्वास्थ्य का उद्देश्य हो सकता है, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो सकता है वो पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य हो, नौकरी व्यवसाय का उद्देश्य हो, जो भी उद्देश्य हो उन सारे उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, ऐसा मुझे दिखता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब भवन भूमि गाड़ी वाहन जो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं, उन भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में भी यदि आपकी राशि तुला है तो आपको लाभ मिलेगा, या वो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं आपको मिलेंगी, ऐसा मुझे आपके लिए यहां पर दिखता है, बनता नजर आता है तुला राशि के। पारिवारिक साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक तौर पर चिंता की कोई भी बात नहीं है, पारिवारिक स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। और तुला राशि के लिए एक और बात कि थोड़ा बहुत अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रख लीजिएगा, अदरवाइज सारी चीजें तुला राशि के लिए जो है वो अच्छी है, ठीक है, एंजॉय करिए इस समय का और मेहनत करिए। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे, और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि कहीं ना कहीं जायदाद को लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। हाँ, वाद विवाद की स्थितियां मुझे कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आती है आपके साथ, तो जरा वाद विवादों से बचने का प्रयास करें, और स्पेशली धन को लेकर, पैसों को लेकर, संपत्ति को लेकर। अब अधिकतर भाई जायदाद को लेकर के वाद विवाद किन से करते हैं आप? अपने ही परिवार वालों से, तो कहीं ना कहीं परिवार में वाद विवाद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, और या आर्ग्यूमेंट्स या मतभेद के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो इस बात का जरा आप ध्यान रखें। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो वाद विवादों से बचें, देखें जहां बचना है वहां बचें, ध्यान रखें का मतलब जहां बचना है वहां बचें, और जहां नहीं बचना है वहां ना बचें,
भाई हमेशा ही थोड़े वाद विवादों से बचना है। आपके भारत आपके देश को कोई गलत बोलता है, आपके माता पिता को कोई गलत बोलता है, आप बच जाएंगे उससे वाद विवाद करने से, ये क्या बात है? पांडवों को अपनी जायदाद चाहिए थी, भले वो थोड़ी सी चाहिए थी, लालच नहीं था, लेकिन बचे क्या उनसे मार काट करने से? ऑब्वियसली बचना नहीं है, जहां लगता है बचना है वहां अब अपनी मां से ही उलझ गए वाद विवाद में, अब ये तो मूर्खता होगी। तो जहां बचना है वहां बचिए, जहां नहीं बचना है वहां पर आपको यहां अब ये देखना पड़ेगा। आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छा समय आपके लिए रहेगा, आपको लाभ दिलवाने वाला ये समय रहेगा नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन। तो आर्थिक दृष्टिकोण से जो आपकी नौकरी है, आपका जो पैसा है, वहां पर मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। स्वास्थ्य का थोड़ा स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे, और धनु राशि के लिए कहूंगा कि जो कार्य लंबे वक्त से रुके हुए थे, जो कार्य लंबे वक्त से आपके हो नहीं पा रहे थे, जो आप कर नहीं पा रहे थे, वो सारे रुके हुए कार्य, वो सारे अटके हुए कार्य, वो सारे आपको जो परेशान कर रहे थे ऐसे कार्य यहां पर पूरे होंगे, ऐसा मुझे दिखता है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ एक बात जरूर मुझे यहां पर दिखती है कि मानसिक तौर पर चिंता या तनाव की स्थितियां कहीं ना कहीं आपके साथ, यदि आपकी राशि धनु है तो निर्मित हो सकती है, लेकिन ये केवल मानसिक चिंता है, मानसिक तनाव की बात है केवल। हाँ प्रैक्टिकली आपके साथ अच्छा ही होगा। वाहन भूमि गाड़ी ये खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं और खरीद भी पाएंगे, कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि नया विचार नई प्लानिंग्स आप कर सकते हैं। आपके मन में नई प्लानिंग होगी, नया विचार होगा, नए विचार को आप अच्छी तरह से रखें, और उस नए विचार पर जब आप मेहनत करें तो आपको सफलता भी मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है यदि आपकी राशि मकर है तो नया सोचिए, नया प्लान करिए, मेहनत करिए, आपके आपकी मेहनत का, आपके विचार का, आपकी प्लानिंग का, आपके डिसीजन का यहां पर आपको फायदा मिलने वाला है। अच्छा वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, आप पढ़ाई करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप गृहिणी हैं, आप समाज सेवी हैं, आप राजनीति में हैं, किसी भी क्षेत्र में मुझे आपके लिए मकर राशि यदि आपकी है तो आपके विचार का, आपकी प्लानिंग का मुझे आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है, आप सफलताकारी दिखता है, आगे बढ़ाता हुआ दिखता है ये समय, ठीक है। तो ये अच्छी बात हो गई। आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, खासतौर पर परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, मतलब या तो कोई ऐसी जगह जाए जो धार्मिक स्थल है, ऐसी जगह भी आप जा सकते हैं, ऐसे योग भी, ठीक है। तो पदोन्नति के योग हैं, आप यदि कहीं नौकरी करते हैं तो आपकी उन्नति हो, पद में उन्नति हो, आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपकी उन्नति हो, आपकी प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी आपकी उन्नति हो, ऐसा मुझे दिखता है यदि आपकी राशि मकर है तो। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आप जो बिजनेस करते हैं, आप जो व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय में, उस बिजनेस में मुझे खास तौर पर जो जो एंटरप्रेन्योर है, जो लोग उद्योग करते हैं, जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन बिजनेस वीमन्स हैं, उनमें उनके लिए स्पेशल ये वक्त सफलताकारी मुझे दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी वालों के लिए वक्त अच्छा नहीं, नौकरी जो करते हैं उनके लिए भी वक्त अच्छा है, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए वक्त विशेष तौर पर अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ फिजूल का तनाव हो सकता है, फिजूल इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकली तो अच्छा है, लेकिन फिजूल में सोचे कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा होगा नहीं लेकिन सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने फिजूल के तनाव को खत्म करिए, कम करिए। आपको पारिवारिक तौर
तौर पर भी, अपने रिश्तेदारों से भी, अपने अपने कॉलिग्स के साथ भी साथ और सहयोग मिलेगा। नौकरी के लिए भी समय अच्छा है, नौकरी लगना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है, ठीक है। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि के लिए कहूंगा कि पदोन्नति, धन में उन्नति, आय में उन्नति, प्रतिष्ठा में उन्नति, सम्मान में उन्नति मुझे आपके लिए मीन राशि के लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है। वाहन, भूमि, गाड़ी आप खरीद सकते हैं। या फिर मैं ये भी कहूंगा आपसे कि भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका निवेश हो सकता है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से वक्त आपके लिए मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है। मेरा सीधे तौर पर आपसे कहना यह बनता है कि इस समय आपको मेहनत ज्यादा करनी, क्योंकि ये वक्त आपके लिए आपके दिशा में बहाव का वक्त है। मतलब आप जिधर जाना चाहते हैं उधर ही हवा चल रही है, उधर ही बहाव चल रहा है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन ज्यादा मेहनत कर लीजिए ताकि बहुत दूर निकल जाए, बहुत आगे निकल जाए। हर समय एक जैसा तो नहीं होता, जब विपरीत बहाव आएगा तो बहुत आगे जब आप निकल जाएंगे तो आपको परेशानी और समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक हमने बात की, चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।